हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, एजूम का चार्जर है 12 एम्पियर का, ठीक है। कमेंट में आया था सर 12 एम्पियर और 15 एम्पियर का कैसे पहचान करेंगे, चलिए आज वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं एसी दे रहा हूँ, कोई लाइट शो नहीं कर रहा है, और डीसी भी दे रहा हूँ तो कोई लाइट नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं चार्जर ये अभी खोला हूँ, तो मैं इसको साफ़ करके, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 12 एम्पियर और 15 एम्पियर का पहचान मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इंडक्टर कॉयल है, ठीक है। जो इंडक्टर कॉयल है ये, उसमें कैपेसिटर 1000 भी डाल सकते हो, 1200 भी डाल सकते हो। ये 15 एम्पियर का इंडक्टर कॉयल है और ये 12 एम्पियर का। अब इसमें आपको दिखाता होगा, ये दिखता होगा कितना स्पेस है, और इसमें कोई स्पेस नहीं है ना। तो ये 15 का है, ये 12 का है। और दूसरी बात कि इसमें देखिए, यहाँ पे जो सेंट दी हुई है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह दी हुई है, ठीक है। तो 15 एम्पियर चार्जर में सेंट ये लगी हुई नहीं होगी, वो स्टील की तरह होगी, ठीक है। और इसमें देखिए रिले भी एकदम से अलग होता है, ठीक है, ये रिले भी अलग होता है। तो ये सेंट से पता चल जाता है और ये इंडक्टर कॉल से पता चल जाता है कि 12 और 15 एम्पियर में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए मैं इसको पहले तो मॉस्फेट को चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं आपको 15 और 12 एम्पियर का पहचान बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें एसी लाइन क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका ये फ्यूज ख़राब है, ठीक है। तो फ्यूज ख़राब है तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखें आप। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब फ्यूज उड़ रहा है तो मॉस्फेट को ज़रूर चेक करें, ठीक है। देखिए ये कैपेसिटर देख पा रहे हैं, ये पूरा हिल रहा है, ये निकल गया है, इसको निकाल ही देते हैं, ये टूट गया है। तो ये देखिए, इसका एक टांग छोड़ दिया है ना, और ये भी हाल रहा है। तो ये रिपेयर करा है पहले से, देख पा रहे हैं ये रिपेयर करा हुआ है। मगर रिपेयर करने का तरीका, देखिए कोई भी कंपोनेंट आप सोल्ड ढंग से तरीके से अच्छे तरीके से करें, कोई भी सोल्ड बाकी ना छोड़ें, ठीक है। लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी पीसीबी आप रिपेयर करते हैं तो लूजपन सोल्ड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा पेस्ट लगाना है और अच्छा रंगा यूज करना है। तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर एक टांग टूटा है तो, और फ्यूज उड़ा है तो 100% लगता है मॉस्फेट तो ख़राब होगा। देखिए मॉस्फेट 60 है, ये मॉस्फेट 60 है, ठीक है। डायोड को चेक कर लेते हैं, डायोड ठीक है, डायोड ठीक है ना। तो अब मैं डीसी को देता हूँ, तो 10 वोल्ट और 12 वोल्ट चेक कर लेता हूँ, इसके बाद एसी को ही छोड़ेंगे, बाकी क्लियर कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो एमसी भी उठा दिया हूँ, अब इसको देख पा रहे हैं 10 वोल्ट बनना है और यहाँ 12 बनना है ना। तो यही 12 वोल्ट 35-25 आईसी के देखते हैं 13 नंबर पिन पे, 12 वोल्ट। अब 15 नंबर पिन पे देखेंगे 12 वोल्ट, ठीक है। तो बनना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसमें डीसी में तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो डीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है तो हम इस मॉस्फेट को चेंज करते हैं, ठीक है, और फ्यूज को जंपर मारते हैं, ठीक है, और इस कैपेसिटर को निकालते हैं। दोनों कैपेसिटर को बड़ा अच्छे से बिठा लेंगे, ठीक है, और जो जो दिक्कत है इसमें आज हम वो पूरा करेंगे। और कोई भी पीसीबी आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत अच्छे से सफाई से देखभाल करें उसका। देखिए कोई पीसीबी आता है तो आप बड़ा बारीकी तरीके से देखें, तो ज़्यादातर तो कंपोनेंट उखड़ा हुआ मिलता है, 50% कमी फ्रेंड्स यहीं दिख जाता है कि कोई कंपोनेंट उखड़ गया है या किसी कंपोनेंट की टांग टूट गई है। तो इसी तरीके से इसमें चार्जर में बहुत कुछ नहीं होता है। और बाकी देखिए मॉस्फेट को चेंज कर लेता हूँ, और अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि मॉस्फेट निकाल के फिर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मॉस्फेट निकाल लेता हूँ मैं। देखिए एक कैपेसिटर की बिल्कुल टांग छूट गई है, तो इसको हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बोलते हैं कि मॉस्फेट कैसे करके निकालते हैं पेंट नहीं टूटता है, तो देखिए मैं मॉस्फेट निकाल रहा हूँ आप लोगों के सामने, लाइव दिखा रहा हूँ कैसे मॉस्फेट निकाल रहा हूँ। उसको ट्वीज़र से साफ कर लेता हूँ। बहुत अच्छे से निकल जाएगा और 1% का पेंट खराब नहीं होगा। इसको पेस्ट मार लेंगे, थोड़ा थोड़ा रंगा ले लेंगे ऐसे। अब इसको नीचे पकड़ लेंगे, तीनों को एक साथ छोड़ना है ना। देखिए फ्रेंड्स निकल गया ये, इसको भी निकालते हैं ऐसे। तीनों को एक साथ छुआना है। देखिए कोई ज़्यादा समय नहीं लगा और पेंट एकदम क्लीन होगा, बिल्कुल पेंट ख़राब नहीं होगा इसका। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। ऐसे साफ कर देंगे, ये बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से पेंट साफ कर लिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें अदर कोई सेट शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, ये ठीक है ना। तो अब कैपेसिटर की एक टांग जो टूटी उसको निकाल देते हैं। निकल गई, ठीक है। मॉस्फेट डाल देते हैं, इसमें देखिए बड़ी लैग ज़्यादा बड़ा रहता है और ये मीडियम लैग है तो UTL में बड़ा लगता है। ठीक है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा हो रहा है और लगा के फिर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको फ्यूज मार दिया हूँ। ठीक है, और ये कैपेसिटर भी लगा दिया हूँ। अब वो इसका सोल्ड रह गया है, वो कर देता हूँ इसके लिए। फिर देखता हूँ कि ये चालू हो रहा है या नहीं, आगे इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। पहले मॉस्फेट ख़राब था, उसको चेंज किया हूँ। ठीक है, और फ्यूज उड़ गया था और एक कैपेसिटर की टांग टूट गई थी तो उसको जोड़ा हूँ। तो अब देख लेता हूँ, ठीक है मॉस्फेट सही बता रहा है। ठीक है, देख रहा हूँ मॉस्फेट सही बता रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना, तो ठीक बता रहा है। तो चलिए लाइन देते हैं इसके लिए। तो देखिए लाइन आ गया है, अब DC देते हैं। तो देखिए DC भी आ गया है, अब ये MPL ले रहा है या नहीं उसको देखते हैं। तो अब मैं सीरीज पे पहले
कनेक्शन किया हूँ। अब मैं मेन पे देता हूँ, देखिए ये बल्ब जो है ग्लो करने लगा, फैन चल रहा है और 30% बिलिंग कर रहा है, क्योंकि किस लिए, ये मैं सीरीज पे लगाया हूँ। अब चलिए मेन पे लगाता हूँ, मेन पे लगा दिया। तो देखिए मैं मेन पे दे रहा हूँ, तो इसको मेन पे दे दिया हूँ। अब इसका एम्पियर देखिए, ये हल्के हल्के उठ रहा है, ठीक है। तो ये चार्जर ऑन है मगर इसका ये एलईडी ख़राब है, देख रहे हैं ये बिल्कुल रुका हुआ है, और दूसरा एलईडी देख, ये देख रहे हैं अब चलने लगा। तो इसका मतलब इसमें, इसमें ड्राई सोल्डरिंग का प्रॉब्लम है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एम्पियर दिखाने की कोशिश करूँगा कि एम्पियर इसने ले लिया या नहीं। तो देखिए देखिए ये एम्पियर ले लिया पूरा, है ना। 10 एम्पियर 12 एम्पियर का चार्जर है और ये 10-11 ले रहा है, ठीक है। ये ओके हो गया है बिल्कुल। अब इसका क्या करना है, इसको देखिए कुछ एम्पियर अगर कम ले रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट लेके और इसको देखिए, एम्पियर अगर नहीं ले पा रहा है तो इसको यहाँ से, ये जो पीएफ है लगा हुआ, इसको यहाँ से सोल्डर मार दें, है ना। अब इसको सोल्डर मार दिया, अगर लूजपन होगा तो वो ठीक हो जाएगा। और देख पा रहे हैं जो एलईडी नहीं जल रहा था, ये लूजपन की देन है, तो इसको भी हम सारे इसको ड्राई सोल्डिंग मार देते हैं। इसका बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यही सब होता है पीसीबी रिपेयर कभी भी करें तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये हो गया है, चलिए देखते दिखते हैं। देखिए ये पूरे तरीके से अब ऑन हो गया है ना, तो ये ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को क्लियर करके दिखाया है, और मेरा चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके समस्त अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बहुत है, और अगली वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। Audio Jungle.